हाय फ्रेंड, मैं अंकित। अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पावर ट्रक का 435 है, इसका रियर एक्सल हाउसिंग का वायरिंग सील एवं क्राउन का टेल पिरियन और हाई लो शाफ्ट जो होता है, हाई लो गियर वाला शाफ्ट, उसका निडिल बैरिंग और शाफ्ट कैसे चेंज करते हैं और इसका हम हाउसिंग का बैरिंग टूटा हुआ था तो इसको हम निकाल लिए हैं और इसका न्यू वायरिंग लगाते हैं। इसका ये 6312 वायरिंग आता है जो कि NVSC कंपनी का है। ये देखिए वायरिंग, आप लोग ये वायरिंग हम लगा चुके हैं। ये लॉक आता है, इनर लॉक, ये इसको नोज प्लास से लगा लेंगे। ये सील आता है, बॉल पिनियन शाफ्ट वाला सील, इसको भी लगा लेंगे। इसका पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है इस पर, इसको हम लगा चुके हैं। ये लगाने से ब्रेक प्लेट में आयल नहीं जाता है। बहुत में ऐसी बीमारी आती है जिसमें ब्रेक में आयल जाने लगता है, इसमें भी जा रही थी। ये बैरिंग भी लगा रहे हैं, बैरिंग वाली लगा चुके हैं, ये लग चुका है। पहले क्रोन वन का काम करते हैं। इसका सील आता है, ये इसका सील पार्ट नंबर, ये स्कॉट का ओरिजिनल आता है। इसका हम पहले तेल क्रोन का काम कर लेते हैं। ये तेल क्रोन, ये देखिए पिनियन खराब हो चुका है। ये इसका पिछला पोर्शन उतार लिए हैं, क्राउन हाउसिंग को नीचे उतार के रख लिए हैं, इसको अच्छी तरह से साफ कर चुके हैं। ये न्यू मंगा लिए हैं जो कि इसका पार्ट नंबर ये देख चुके हैं आप, ये आउटपुट का है, ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट Z14। इसलिए वीवर पिनियन कनेक्टिंग, ये टेल पिनियन है, ये इसका कनेक्ट करने वाला कपलर है, ये हेलो शाफ्ट, ये भी ख़त्म हो चुका था इसलिए मंगाए थे। ये तो ब्रेक पेडल का स्प्रिंग है, सब कुछ। ये देखिए न्यू रियर एक्सल का सील है, रियर एक्सल का सील, दूसरे टाइप का मंगाए हैं, 2-in-1 इन फिनिशिंग गुड। ये टेल क्राउन का वायरिंग हाउसिंग है, ये टेल क्राउन का वायरिंग अच्छा है, यही डालेंगे हम, थोड़ा ग्रीस लगा के डालेंगे। पॉइंट पे थोड़ा ग्रीस लगाने के बाद क्या होता है कि स्मूथली बैरिंग जगह तक पहुंच जाता है। इसको हम लगा चुके हैं, इसको हम अंदर डाल दिए हैं। इसका 17 mm का बोल्ट आता है, 6 बोल्ट, इसको भी हम लगा के टाइट कर लेते हैं। और अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें। यह भी क्राउन हाउसिंग को टाइट कर रहे हैं, ये पिनियन को, क्राउन पिनियन को, इसको टाइट करने के बाद इसका बाइबिल पिनियन आता है, बाइबिल, ये क्रॉस शाफ्ट, ये बाइबिल पिनियन दोनों, और ये छोटा छोटा 4 पिनियन स्टार पिनियन। ये बाइबिल सिंपथी दिया जाता है, ये पिनियन देखिए, ये पिनियन इसमें लगता है, आप लोग याद रखिएगा, एक स्मॉल आता है, एक बिग आता है, इसका डेवर।
ये लगा चुके हैं, एक क्राउन हाउसिंग कट गया था, इसीलिए हम सब में दो दो वायसर डाले हैं ये सीम पत्ती। तब जाके बैकअप होगा ये इसका प्ले, ये इस प्रकार लगता है। इसको हाउसिंग अंदर में ले लेते हैं, इसके बाद इसको टाइट करते हैं, फिर इसका वायरिंग लगाएंगे, फिर इसके बाद इसका चापा लगाएंगे। कल चापा हाउसिंग इसमें क्राउन सेट करके डाल दिए हैं, ये वायरिंग ठोकेंगे, इसके बाद दोनों साइड का चापा लगाएंगे प्लेट। इसको लगाने के बाद इसका दोनों प्लेट लगा रहे हैं। ठीक है, इसका प्लेट लगा दिए हैं, थोड़ा सा उस साइड भी लगाते हैं, फिर सब बोल्ट को लगाएंगे, फुल टाइट मारेंगे, फिर इसका प्ले चेक करेंगे कितना था, प्ले चेक करेंगे। इसका प्ले हम चेक कर रहे हैं और ये प्लेट टाइट कर रहे हैं, ये प्लेट टाइट हो चुकी है। दोनों साइड का प्लेट को टाइट कर दिए हैं, अब इसके बाद ये जो है तब बॉल पिनियन शाफ्ट या ऐसे लगता है। एक छोटा था, एक बड़ा था, हुआ और एक लिप्सर और राइट साइड। और ये रियर एक्सल का सील है, 2-in-1 सील आता है, ये सील जो होता है 2-in-1 होता है, ये ऐसे लगता है। एक को एक्सल में ठोक लेते हैं, एक को हाउसिंग में ठोक लेते हैं, बैरिंग के बाद सट से लग जाता है आराम से आसानी के साथ, थोड़ा ग्रीस लगा के फटाफट काम हो जाता है। इसलिए बैरिंग ठोक लिए हम, उससे पहले इसका जो आता है एक डिस्टेंसर, उसको भी डाल दिए थे अंदर, ये लग चुका है। हम ग्रीस लगा के सील ठोक लेंगे, ये लग चुका है। अब इसको एक्सल को डालेंगे इसमें सील ठोकने के बाद। और ये भी लग चुका है, डाल दिए हैं। अब इसका पिनियन डाल के अच्छा चकना टाइट करेंगे, इसका जो आता है चीरा भी उसको भी लगाएंगे चकनट के बीच में, पिनियन डाल के चेन टाइट करेंगे, फिर इसके बाद इसको लॉक करेंगे। ये बॉल लगा रहे हैं, बॉल लगाने के बाद इसको फुल टाइट करेंगे, इसका प्ले चेक करेंगे, इसके बाद इसको लॉक करेंगे। ये लॉक भी हो चुका है, सब कुछ करने के बाद लॉक हो चुका है। अब दूसरा हाउसिंग को भी फिट कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए, यही सील है जो दूसरा हाउसिंग को फिट करेंगे। अब एक्सल प्लेट को तो इसमें लगा लेंगे, जो 2-in-1 टाइप का सील आता है, ये वायरिंग आता है सील, यहाँ पर लगता है बैरिंग ऊपर लगता है, ये इसका बीच में रहता है डिस्टेंशन पिनियन वाला बैरिंग से पहले, तब बैरिंग फिर पिनियन।
सिक्स को इसमें डाल देते हैं, फिर बैरिंग डालेंगे ग्रीस लगा के। ग्रीस थोड़ा लगा दिए हैं जिससे बैरिंग स्मूथली चला जाता है। थोड़ा सा सट लगाएंगे, ये चला जाएगा। इजीली चला गया, इसका जो है ना हाउसिंग खराब, फुल टाइट नहीं है ये लॉक। इसके बाद इसको सील को लगाना पड़ता है, ये सील ठोक देते हैं, फिर एक्सल लगा के पेनियन उनियन लगा के फुल टाइट करेंगे, फिर इसी में बुल पेनियन साफ्ट को ठोक लेंगे। जो ब्रेक वाला साफ्ट आता है इसी में ठोकना पड़ेगा। पहले इसमें बैरिंग डालना पड़ेगा, बोल पिनियन साफ्ट वाला बैरिंग डालेंगे तब पिनियन लगाएंगे। एक बार पिनियन को सागे चेक कर लेते हैं। पिनियन घुस गया इजीली, अब पिनियन को निकाल लेते हैं, फिर इसका बैरिंग लगाते हैं, सील लगाते हैं, फिर इसके बाद पिनियन को लगाएंगे। सील बैरिंग लगाने के लिए ये देखिए सील इसका है, ब्रेक वाला सील, बुल पिनियन साफ्ट का सील, इसके बाद बैरिंग। सील को पहले ठोकते हैं आसानी से, इसके बाद सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। दोनों एक्सल को फिट कर लिए हैं, एक्सल भी हाउसिंग कंप्लीट हो चुका है, क्राउन भी कंप्लीट हो चुका है। ये पैकिंग वैकिंग भी चिपका दिए हैं। पैकिंग वैकिंग लगाने के बाद ये जो है गियर बॉक्स का भी ये हाइलो साफ्ट आउटपुट इनपुट साफ्ट को लगा दिए हैं, गियर प्लेट को लगा दिए हैं, बॉल स्प्रिंग लगा दिए हैं, लीवर लगा दिए हैं। इसके बाद इसको ज्वाइंट कर दिए हैं, इसको फुल टाइट मार दिए हैं, और इसका पावदान पैर रखने वाला भी लगा दिए हैं। ये देखिए दोनों टियान लगता है, दोनों टियान लगता है बोल्ट, चार बोल्ट पे टिका रहता है, 219 mm 217 mm। इस साइड भी, इस साइड भी ऐसे। ये सब कुछ लगाने के बाद कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हाउसिंग भी चढ़ा दिए हैं, दोनों हाउसिंग को भी टाइट कर चुके हैं। धीरे धीरे और लगा हुआ है, बंदा टाइट कर रहा है,